कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। छत्तीसगढ़ दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। अत्यधिक घने जंगल और एक विशाल आदिवासी आबादी राज्य को एक अलग रंग से प्रभावित करती है, जो इसके आदिवासी नृत्य रूपों, गीतों और प्राकृतिक सुंदरता और उदारता में स्पष्ट है। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के 16 छत्तीसगढ़ी भाषी दक्षिण पूर्वी जिलों को विभाजित करके किया गया था। छत्तीसगढ़ मध्य भारत का एक राज्य है। ये भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 135,194 वर्ग किलोमीटर का है। 25.5 मिलियन की आबादी के साथ छत्तीसगढ़ देश का 16वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। छत्तीसगढ़ की लगभग 80% जनसंख्या गांवों में ही रहा करती है और मात्र 20% जनसंख्या शहरों में रहती है। छत्तीसगढ़ में किसी भी राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी आबादी है। SC और ST लोग राज्य की आबादी का आधा हिस्सा बनाते हैं। दोस्तों, राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है। इसके अलावा उड़िया, मराठी और तेलुगु भी यहाँ पर बोली जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के लिए इलेक्ट्रिसिटी और इस्पात का एक अच्छा स्रोत है, जो देश में कुल स्टील उत्पादन का 15% हिस्सा है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की आधिकारिक राजधानी रायपुर है और इस राज्य में 33 जिले आते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों से लगती है, जिनके नाम हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। दोस्तों, छत्तीसगढ़ ऊंची नीची पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। घने जंगलों वाला राज्य है। यहाँ साल, सागौन, साजा और बीजा और बांस के वृक्षों की अधिकता है। छत्तीसगढ़ भारत में फसल के उत्पादन में देश के उच्च राज्यों में आता है और इसलिए इसे धान का कटोरा, राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ खनिज साधनों से भरपूर राज्य होने के बावजूद भी देश के पिछड़े क्षेत्रों में आता है। हालांकि यहां पर औद्योगिक विकास लगातार हो रहा है, छत्तीसगढ़ भारत में खनिजों और खनन गतिविधियों में एक बहुत ही समृद्ध राज्य है। ये राज्य पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादन वाला राज्य बन चुका है। देश के 15% स्टील का निर्माण छत्तीसगढ़ में ही होता है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के 70% तेंदू पत्तों का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। तेंदू पत्ते का निर्माण बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। प्रसिद्ध कोसा रेशम या टसर रेशम यहाँ पर ही बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ अब देश का एक विकसित राज्य बनता जा रहा है। यहाँ इस वक्त रेल लाइन की लंबाई 1000 किलोमीटर और सड़कों की लंबाई 20000 किलोमीटर है। रायपुर में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ का एकमात्र बड़ा हवाई अड्डा है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छे पर्यटक आकर्षणों की बात करें तो चित्रकोट जलप्रपात अक्सर सूची में सबसे ऊपर होता है। ये जलप्रपात बस्तर जिले के जगदलपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा तीरथगढ़ जलप्रपात, कांकेर पैलेस, अचानक मार टाइगर रिजर्व, भोरम देव का मंदिर भी यहाँ पर काफी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। दोस्तों, भोरम देव का मंदिर अपनी आकर्षक मूर्तियों के कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। दोस्तों, पोला, नवाखाई, दशहरा, दिवाली, होली और गोवर्धन पूजा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख त्योहारों में शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख लोक नृत्यों में पंथी, रावत नाच और सैला मुख्य रूप से शुमार है। दोस्तों, साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारतीय राज्यों में 20वें नंबर पर आता है। यहाँ की साक्षरता दर 71% के करीब है और ये साक्षरता दर बढ़ते क्रम में मौजूद है। दोस्तों, तीजन भाई एक प्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में ये गीत मुख्य रूप से काफी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की ये जानकारी
आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे YouTube चैनल्स संजीव मिश्रा और शॉर्ट्स बाय संजीव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उन चैनलों को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उन चैनलों पर भी आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाले वीडियो देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस जगह या किस शहर के देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर रहूंगा हाजिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।